अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। आगे क्या करना है? वही करेंगे जो पहले करना था, गुड मैरिज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अब शादी में तुम्हारी अम्मा लाजमी शरीक होंगी। मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगी? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि मुझे फूड पॉइजन हुआ था। जा भाभी, अब मुझ पे ना फजूल इल्जाम मत लगाओ। अपने फजूल ड्रामे बंद कर दो, उल्लू बनाना बंद करो। अब ये मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला है, मुझे करने देना अपनी मर्जी से। हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ठीक है फिर, आपको भी जल्दी खबर मिल जाएगी। कैसी खबर? अरे कैची, अरे कहाँ चल, अरे ब्लैकबेरी। क्या हो गया अम्मा, क्यों परेशान हो रही हो? अरे कैची नहीं है घर में। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? अरे यहीं कहीं नहीं है। हिना ने किसी को बताने से मना किया था। लेकिन क्यों? इस वक्त उसका शौहर गायब है, उसे तलाश करना जरूरी है और वो छुपा रही है सबसे। गायब तो नहीं है, नाराज हो के गया। एक काम करता हूँ, इमरान को भी फोन लगाता हूँ, क्या पता हारून भाई की बात छेड़ दो, उससे पता हो कुछ। जी भाई, कहाँ हो तो? भाई मैं घर पे हूँ, सब खैरियत है? अरे कहाँ है खैरियत, खैरियत ही तो नहीं है, वो आप ही घर से गायब है। गायब है? कहाँ गई? अबे मुझे क्या पता, मैं खुद तुझसे पूछ रहा हूँ, इसलिए फोन किया है। भाई मुझे क्या पता, मैं तो सोया पड़ा था। क्यों नहीं पता तुझे? मालूम करो ना कहाँ है वो। अच्छा कहाँ पे आप, मैं आता हूँ आपके पास अभी। मैं बाहर ही निकला हूँ, भेजता हूँ तुम्हें लोकेशन, भेजता हूँ जल्दी से पहुँच। ठीक है उमा डार्लिंग, तैयार हो जाओ, सरप्राइज देने का वक्त आ जाता है। ब्लैकबेरी। क्या करूं मैं, रोमियो से मदद मांगती हूँ फोन पे। यार स्कूल से काम करने लगी, अभी भाई का फोन आ गया, अब दोबारा बहन का फोन आ रहा है। हेलो रोमियो, कहाँ हो? इमरजेंसी काम में बिजी हूँ यार अभी। मेरी बात ज्यादा जरूरी है। अरे समझा करो ना। चुप करके ना मेरी बात सुन लो, हुमा आपी घर से गायब है, उनको ढूंढना है। हाँ वही कर रहा हूँ, ब्लैकबेरी का फोन आ चुका है मेरे पास। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम जल्दी से तलाश करो कि कहाँ है वो। जहाँ भी गई होंगी ना खुशी होंगी वो। क्या मतलब, तुम्हें पता है क्या? वो मेरा मतलब था कि खुशी होगी ना, जहाँ भी गई होगी तुम्हारे घर से दूर तो खुशी होगी ना। बकवास नहीं करो, सच सच बता दो, मुझसे झूठ नहीं बोलो। वो बात ये है कि अभी किसी को बताना नहीं कि वो कहाँ है। कहाँ है जल्दी बताओ। अरे मुझे क्या पता कहाँ है, पता होता तो बता देता ना। पता नहीं तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम मुझे मजीद उलझा रहे हो। अरे भाई जैसे ही मालूम होगा ना तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, और तुम अपनी अम्मी की फिक्र करो, वो परेशान हो रही होंगी। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ उनके पास। ठीक है। ये जिंदगी ने किस दौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया, ना आगे बढ़ सकती हूँ ना वापस लौट सकती हूँ। जिस शख्स से इतनी नफरत करती थी, अब उसके इंतजार में पागल होती जा रही हूँ। अरे हट भाई, मगर नानी नहीं तो टिकी बैठी हुई है, रात हो गई है, अल्लाह अभी तक नहीं आई, तने कहाँ होगी मेरी बच्ची? आप परेशान नहीं हो, आ जाएगी घर वो, और ठीक भी होगी इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह ठीक होगी, अल्लाह की अमान में रहे। लेकिन भाई मेरे दिल में तो बड़े वसवसे आ रहे हैं। देखिए आप ज्यादा मत सोचें, इतना सोचेंगी ना तो फजूल फजूल बातें दिमाग में आएंगी। हाय बेटा कैसे ना सोचू,
अरे मेरा खून है, मेरी औलाद है, खून से सींचा है मैंने। अरे पाला पोसा है, तुम सब मेरे जिगर के टुकड़े हो। तुम लोगों पे कोई आंच आ जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। सब ठीक होगा इंशाल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखें। सी पे भरोसा बेटे, सारा दिन गुजर गया, रात हो गई। अरे तुम उसके बगैर, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बगैर उसका गुजारा नहीं होता था, जब तक मुझे लड़ नहीं लेती थी, जब तक उसका खाना हजम नहीं होता। अल्लाह जाने उसने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं होगा। अम्मा मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? तेरा सत्यानाश कम वक्त मारी नहीं तो। ये सिचुएशन है खाने पीने की, तुझे खाना सूझ रहा है? अरे दुआ कर मनुस साथ खैरियत के वापस आ जाए। भला बता, इसको बहन की फिक्र ही नहीं है कि वो अब तक घर नहीं आई है। खाना खाना। मैंने ये तो नहीं बोला, मैं तो बस कह रही। अरे बस चुप कर जा, चुप कर, ज्यादा लफाजिया फेरे ना कर, ये दुआ कर ले वो साथ खैरियत के घर वापस आ जाए। अरे कहाँ होगी, किस हाल में होगी? पता नहीं मुझे नाराज होकर गई है, किसी के बहकावे में आकर कहीं चली गई है। एक दफा आ जाए बस, सीने से लगा लू, जो कहेगी मैं मानूंगी। बड़ी तकलीफ उठाई है मेरी बच्ची ने, अल्लाह जाने कहा होगी, किधर होगी, किस हाल में होगी। अल्लाह जहां खैरियत से, अल्लाह पाक उसका नियम से वहां से रखना। कहां चली गई है तू कैची, कहां चली गई है तू? हिना को कॉल करती हूँ। अजीब रवैया है इस लड़की का, फोन ही नहीं उठाती है। अम्मी को करती हूँ। ये ना फोन नहीं उठाती है, अम्मी ने फोन बंद किया हुआ है। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में, सोच सोच के मेरी तबीयत ही खराब हो रही है। अरे क्लोपेत्रा, अरे ओ क्लोपेत्रा, अरे जाते एक दरवाजे पे घंटी बज रही है, कौन आया है? अच्छा अम्मा देख रही हूँ मैं कौन है। अम्मा हुमा अभी केची, तू कहाँ चली गई थी, कहाँ थी तू? मेरा भी ख्याल नहीं किया, कितनी परेशान थी तेरी वजह से मैं, कहाँ थी? अम्मा वो क्या, जेब तुम्हारे साथ, तुम कहाँ से आ रहे? अम्मा मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। खेची तूने बताने की जहमत भी दोबारा नहीं की। क्या करते हैं आंटी, मेरी अम्मी तो मान ही नहीं रही थी, अब ना उनके मानने का कोई इम्कान था, इसलिए मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ा। तो मुझे तो बताना था, हमें तो कोई एतराज नहीं था, तूने बगैर बताए निकाह कर ली। अम्मा तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अम्मा फिर माफ कर दो। नाराज तो नहीं है, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या, समझ में नहीं आ रहा तूने अच्छा नहीं किया। अम्मा देखो मैंने सारी जिंदगी इस घर में गुलामी में गुजार दी, अब मैंने कर ली शादी, बस मुझे करनी थी ना शादी, मैंने कर ली। चल कर ली शादी, हाँ शादी तो कर ली, अब क्या? बस अम्मा तुम नाराज मत हो ना। अम्मा नहीं नहीं नाराज नहीं हूँ मैं, बस पत्र अम्मा को समझा रहा। ठीक है बस खुश रहो अपनी जिंदगी में, पता नहीं तेरे बाप और भाई का क्या बर्ताव होगा, मैं तो अब ये सोच रही हूँ। अच्छा नहीं किया तूने,
माँ तुम तो मेरा साथ दो ना। फरियाल को कॉल करती हूँ, वो घर का हाल बता देती है। फोन नहीं उठा रही है, अल्लाह खैर ही करे। अम्मा अम्मा ये सब मेरी मर्जी से हुआ था। ये तेरी मर्जी से ही हुआ था, लेकिन हमें बताने में क्या एतराज था? अगर अम्मा को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? इनको रास्ता मैंने ही दिखाया था, लेकिन सुबह सवेरे कैंची का यूं घर से चले जाना, मुझे वाकई इस बारे में कोई नहीं था। अरे तो तुमने शर्त ही ऐसी रखी थी, हम लोग क्या करते? कैसी शर्त? यही के मेरी वालदा का शादी में शरीक होना लाजमी है, पर ऐसा होता हुआ तो मुमकिन नहीं लग रहा था। अरे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारे साथ ही तो था। इनको बताने के लिए मैंने ही मना किया था तुम्हें। तुमने क्यों मना किया था? मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? अम्मा मुझे इस पे भरोसा था, भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मजीद और ये मामला लटके, और इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये फैसला कर लिया। और इसमें हाँ, रोमियो ने भी हमारा साथ दिया था। रोमियो ने? हाँ, सारे इंतजाम उसी ने किए थे, वरना मेरे अकेले के तो बस की बात ही नहीं थी। तुमसे और रोमियो से तो मैं बाद में निपटता हूँ, तुम लोग एक साथ हो गए और मुझे बताया तक नहीं। अरे तो क्या करते, तुमने हमारी कोई बात माननी थी ना? ठीक है, शादी तो हो गई, लेकिन कैसी शादी है ना, बारात चढ़ी ना छुआरे पट्टे ना मेहंदी ना माई, कुछ भी तो नहीं हुआ, बस ऐसी सूखी सूखी शादी। आंटी अगर आप इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लें तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। अल्लाह जाने तुम्हारे अब्बा और वो हारून उनका क्या बर्ताव होगा। हारून भाई को तो मैं समझा दूंगा अम्मा, लेकिन अब्बा का तो आप लोगों को पता है, उन्होंने वैसे भी इख्तिलाफ करना है। वैसे कब तक करेंगे इख्तिलाफ? ऐसा पता तुम लोगों को नहीं पता, तो बुझे बुझे एक तरफ पड़े हुए नजर आ जाते, भड़क जाए तो पूरा घर को आग लगा देते। अम्मा आप परेशान मत हो, मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। और फिर सरप्राइज, ये सरप्राइज पे सरप्राइज, सरप्राइज पे सरप्राइज। लेकिन लेकिन अम्मा आप प्लीज वादा कर लें कि आप गुस्सा नहीं होंगी। थप्पड़ मारने तो मुझे मार लीजिए, लेकिन लेकिन उसे कुछ ना कहें। आई उसे किसे? फरियाल तो मैं अभी लेके आता हूं। ये फरियाल कौन है? आ जाओ। ये कौन है? अम्मा ये इस घर की बहू, मेरी बीवी, हमने शादी कर ली है। आप ही इतना बड़ा सरप्राइज, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो। क्या करती, मजबूर थी, बुढ़ापा भी, वरना मेरा इसी दहलीज पे गुजर जाना था। खैर जो भी हो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना घर बसा लिया। लेकिन अब तुम्हारी बारी है घर बसाने की। हाँ, उसने एक साल का टाइम मांगा। क्यों?
पैसे कमाने के लिए ताकि शादी सही से कर सके। तो ठीक है ना, एक साल तो यूं गुजर जाएगा चुटकी बजाते, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप ही लेकिन लेकिन के चक्कर में मत पड़ो तुम, एक साल यूं ही गुजर जाना है, और वैसे भी रोमियो की तो अम्मा भी राजी हैं। हाँ उसने बताया तो यही है। अच्छा सुन, मैं ना अम्मा के पास जाती हूँ, उनको मनाना भी तो है, नाराज हुई भी है वो। तुम जाओ मैं भी आती हूँ। ओके। हेलो। अरे हाँ तो जनाब हीरो बन गए। हीरो तो मैं पहले से ही हूँ, तुम्हें अब पता लगा है? वैसे कैसे पता चला? मैंने सुना है कि तुमने हुमापी की मदद की है निकाह के लिए। हाँ अरे वो ब्लैकबेरी भाई ने पंगा डाल दिया था ना। क्या क्या कहा? अरे मैं कह रहा हूँ ब्लैकबेरी भाई ने कुछ शर्तें रख दी थी ना इमरान की अम्मा को राजी करने की, और वो बेचारे इमरान के हाथों के तो तोते उड़ गए थे। अच्छा फिर क्या किया तुमने? बस यहीं पर फिर एंट्री होती है रोमियो की। दो प्यार करने वालों की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे, बस मैंने दो प्यार करने वालों को मिला दिया आपस में। क्या बात है भाई, दो प्यार करने वालों की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, और मेरा तो ख्याल ही नहीं है तुम्हें। अरे है ना, क्यों नहीं है? लेकिन हमारे दरमियान कोई रुकावट भी तो नहीं है ना? तुम्हारे घर वाले राजी, मेरे घर वाले राजी, तो क्या करेगा काजी? एक साल के जो इंतजार की बात की है वो। हाँ वो परेशानी तो है ना, पैसों की परेशानी, माली परेशानी। अरे ऐसे कंगलेपन में ब्याह के ले आऊंगा तो तुम अगले दिन छोड़ के भाग जाओगी। नहीं जाऊंगी छोड़ के, चाहे तो कसम ले लो। कुलपत्रा ने एक दफा बोल दिया तो बोल दिया। ओए होए, तुम भी औरतों की रोमियो हो हैं? मैं कुलपत्रा हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये बात तो ठीक है वैसे। कुलपत्रा। हाँ ब्लैकबेरी। ये तुम किससे बात कर रही थी? चलो छोड़ो, वो मैं फरियाल को पूरा घर दिखा रहा था। अच्छा तो दिखा दो। हाँ दिखा दिया, लेकिन वो भाभी का कमरा रह गया है। हाँ तो वो भी दिखा दो। वो मैं ये सोच रहा था कि तुम इसे ले जाती, भाभी से भी मिलवा लेती। जी नहीं, मैं नहीं जाती उसके कमरे में, खुद जाके दिखा के आओ। अरे क्या हो गया तुम्हें, अपनी नई भाभी के सामने भी ऐसी हरकत करोगी? तुम्हें पता है ना मुझे उनसे बात करने का कोई शौक नहीं है, और तुम मुझे उनके कमरे में भेज रहे हो। अरे तो मैं कैसे मिलवाऊं फरियाल को भाभी से? सबर कर जाओ, जब मोहतरमा कमरे से बाहर आएंगी ना तब मिलवा देना। इतनी भी कोई अहम नहीं है वो कि उनको इतनी अहमियत दी जाए कि नहीं बहू जाके उनको मिल के आए। कुलपत्रा। कोई बात नहीं ब्लैकबेरी, हम यहीं पे इंतजार कर लेते हैं, अगर तुम कहो तो मैं खुद जाके मिल लेती उनसे। हाँ मुझे लगता है यही ठीक रहेगा, तुमने कमरा देखा है ना उनका। हाँ। चलो तुम चले जाओ, उनसे मिल के आ जाओ। सही। हेलो। हाँ वो ब्लैकबेरी आ गया था अपनी बेगम को लेके, इसलिए फोन काटना पड़ गया। तुम क्या कह रहे थे? और भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाल चाल तो ठीक है, मुझे लगता है खबर मिल गई है तुम्हें। हाँ अम्मा की कॉल आई थी ना। मुबारक हो भाई। शुक्रिया अरुण भाई। अच्छा वो मैं कह रहा था कि अब्बा को देख लेना यार, संभाल लेना उनको। अब्बा को? जब अम्मा की कॉल आई ना तो अब्बा मेरे साथ ही बैठे हुए। साथ बैठे हुए थे? अच्छा मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं हो रहे थे ना? नहीं भाई, तुम पे क्यों गुस्सा करेंगे, सारा गुस्सा तो उन्होंने अपना मेरे ऊपर निकाल दिया। तुम पे निकाल दिया? क्या बोल रहे थे वो? कह रहे थे घर में शादियां इस तरह करने की रिवायत मैंने डाली, तो बस। क्या मतलब, पसंद की शादी में क्या बुराई है? नहीं कोई बुराई तो नहीं है, मगर इस मुआशरे को कौन समझाए बात। अरे भाई जब माशरा गलत सिमत की तरफ जाएगा तो इसमें हमारा क्या कसूर, हम तो वही करेंगे ना जो अच्छा हो हमारे लिए। खैर तुम छोड़ो ये सब, ये बताओ अम्मा तो ठीक है ना, उन्होंने दिल पे तो नहीं ले लिया इस बात?
यार अम्मा का तो मुझे भी नहीं पता, बेचारी चुप है, कभी लगता है बहुत उदास है, कभी लगता है खुश है। अरे यार माओ के अरमान होते हैं ना, वो पूरे ना हो ना तो बस वो ऐसी उदास हो जाती है। क्या मतलब? अरे मैंने मना थोड़ी किया हुआ है, वो अपने अरमान पूरे कर सकती है। अब कैसे करेंगे? अरे वलीमा जो आ रहा है, वलीमे में कर सकती है ना अपने अरमान पूरे, कर लें वो। हाँ ये हो सकता है। खैर चलो मैं अम्मा और हुमा से तो मिल लूं। मैं भी चलता हूँ साथ। आ जाए। अरे हिजाब तुम, फरियाल तुम, यहाँ कैसे, और ये रेड ड्रेस? वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम यहाँ, उसका मतलब ब्लैकबेरी तुम्हारा देवर है। हाँ लेकिन तुम ब्लैकबेरी को कैसे जानती हो? निकाह हुआ है आज मेरा उससे।